एवरीवन, दिस इज राजा हरी शाहिद। वेलकम टू माय चैनल लाहौरी देसी ब्लॉगर। आज आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहे हैं हम। ये तमाम यंगस्टर, जितने भी यंगस्टर जो स्नोकर को बहुत पसंद करते हैं, आज उनके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और सुना है वापडा टाउन पीआईए रोड पे बहुत ही ज़बरदस्त एक स्नोकर क्लब खुला है, तो हमने कहा क्यों ना यार उसे भी विजिट करें और जितने भी हमारे नौजवान हैं उन्हें बताएं कि ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो आज हम जाएंगे, विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है उधर की और कैसा इन्वायरमेंट है। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि करजान एक बहुत ही फेमस पीआईए रोड पे एक स्नोकर क्लब है, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ऑसम है। और अगर हम बात करें इनके कूलिंग सिस्टम की, तो कूलिंग सिस्टम कमाल है। ये आप देख सकते हैं, कुछ भाई बैठे हुए हैं पीछे और बहुत ही चिल माहौल है, कुछ बैठने की भी जगह है ज़बरदस्त किस्म का। और अगर आपको मैं कुछ शॉट्स दिखाऊँ तो भाई शॉट खेल रहे हैं ज़बरदस्त। और कितने टेबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेबल यहाँ पर हैं और 6-7 टेबल ही नीचे हैं इनके बेसमेंट में भी। और ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल, ये इस वक्त शॉट खेली जा रही है और फाइनली ये नहीं जा पाई। और इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो कमाल यार, ये जाएगी शॉट, वाह जी वाह, ज़बरदस्त हो गया। और इस वक्त भाई ट्राई कर रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो उम्मीद करता हूँ चली जाएगी, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये भाई इस वक्त माहिर लग रहे हैं और इसी तरह ही शॉट्स चल रही हैं, सब अपनी ट्राई कर रहे हैं, मगर इन्वायरमेंट कमाल है। जो टेबल है वो हमने लगवा लिया और कुछ मेरे कज़न्स खेल भी रहे हैं और हम अपना ब्लॉग अब शुरू करते हैं। और ये मेरे भाई हैं बड़े और इनका नाम अदनान साहब है और ये हुसनैन साहब है, पीछे उस्मान साहब है और मौलाना साहब ने मना कर दिया इस वक्त। तो बहुत ही ज़बरदस्त गेम चल रही है। अब मैं आ गया हूँ, अब अपने टेबल पर हम गेम खेलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मैं तो तारीफ़ कर ही रहा हूँ और कुछ लोगों से भी पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि वाकई यह ज़बरदस्त एक स्नोकर क्लब है कि नहीं, क्योंकि यंगस्टर जितने भी हैं वो इस तरफ बहुत ही उनका रुझान हो रहा है। तो अभी चलते हैं और पूछते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलमान। अच्छा सलमान साहब, क्या हाल चाल आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सलमान साहब, मैंने ये देखा है कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है इधर का, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या ये मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सर लाहौर में जो स्नूकर को एक ट्रेंड दिया है वो केरॉक्स ने दिया है। इन्वायरमेंट जो है वो आउट क्लास है, क्योंकि इस लेवल के टेबल्स और इस लेवल की गैदरिंग पहले परफॉर्म नहीं की जाती, इसकी बड़ी कमी थी। बिल्कुल ऐसी ही है, इसलिए ऑसम ही मैं कहूँगा इसको। ऐसी ही है, ऐसी ही है। अगर हम बात करें तो यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ही लाइक करते हैं स्नूकर को। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल
बिल्कुल। तो मैं देख रहा था कि लाहौर के अंदर कि इतना अच्छा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिल रहा है आप लोगों को, तो एक वैसी भी जो यंग टैलेंट है, अगर स्नूकर की बात की जाए तो स्नूकर में जो यंग टैलेंट आ रहा है वो फिर इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो बहुत ही जल्दी ग्रूम करेगा, क्या ख्याल आपका? बिल्कुल, ये पॉलिश प्लेटफॉर्म भी है, यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाई जाती है अच्छे प्लेयर्स को, रैंकिंग प्लेयर्स को ज़बरदस्त, और सपोर्ट किया जाता है इस क्लब से। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मेजोरिटी देखा जाए जो स्नूकर्स वगैरह है वो उसको ज़्यादातर इतना प्रेफर नहीं किया जा रहा, अगर हम इंटरनेशनली तौर पर बात की जाए तो। अब ये उम्मीद है कि कुछ ऐसे ऐसे ज़बरदस्त लोगों ने ही पर्सनली प्राइवेट तौर पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए हैं ताकि जितने भी यंगस्टर हैं वो बूस्ट हो सकें, क्या ख्याल आपका? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए, तभी हमारी जो आवाम है उसका टैलेंट बाहर आएगा। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया।